हाय गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आप देख रहे हो हमारा ये नन्ना मुन्ना आरुष। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कितना नटखट है, सही है ना? आज स्कूल क्यों नहीं गया? तो आज उसे कटिंग करवाने जाने इसलिए वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो ये है मेरे माँ बाप। तो आज खेलेंगे यार उसके साथ, मस्ती करेंगे। नारियल फोड़ना है कि नारियल? गाइस, अभी हम निकल रहे हैं शिराढ़ोन। ठीक है, तो कल काम था, वो काम निपटा लिया। अभी खाना पीना खा के जो है हम जा रहे हैं। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं शिराढ़ोन। ठीक है, तो मिलते हैं जाके अब गुनगुन से। यहाँ का जो भी काम था वो काम निपटा लिया है। ठीक है, मेरा कोई काम नहीं था, काम जीजा जी का था, तो वो कल पूरा हो गया। रात को 1 बजे आया हूँ, तो नींद भी ज़्यादा नहीं हुई है, तो अभी जाके थोड़ा आराम करता हूँ। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं कड़म्ब और केज के बीच में। एक गार्डन है, मतलब एक विपश्यना सेंटर जैसा है कुछ, और यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध की जो है मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब देखने में लाजवाब है। 4 साल से मैं जो है कोशिश कर रहा था इस मूर्ति को देखने के लिए, मतलब इस जगह पर आने के लिए, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। और जब भी मौका मिलता था तो ये बंद रहता था यहाँ पे। ठीक है, ये भगवान गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब है देखने में, मतलब नज़र ही नहीं हटती है जब देखते रहते हैं उसको। तो आप लोगों को मैं पूरा नज़ारा दिखाऊंगा यहाँ का। मैं जिस भगवान को मानता हूँ पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में, तो वो है सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध, क्योंकि उनके विचार इतने खूबसूरत है और ज़िंदगी जीने का तरीका इतनी आसान भाषा में उन्होंने बताया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ठीक है, मतलब उनका जीवन चरित्र सब लोगों को पढ़ना चाहिए, उनकी किताबें, हर किताबें सब लोगों को पढ़नी चाहिए। मेडिटेशन जो है उसका इतना प्रसार हो रहा है दुनिया में आजकल, मतलब हर कोई इंसान मेडिटेशन ध्यान करना चाहता है। ठीक है, मेडिटेशन मतलब ध्यान। दोस्तों, मैंने जो है 2 बार विपश्यना की है। विपश्यना साधना जो इस दुनिया में किसी ने लाई है वो है हमारे भगवान गौतम बुद्ध। ठीक है, तो उनकी मूर्ति देख सकते हो आप, कितनी खूबसूरत लग रही है, मतलब गोल्डन कलर में बनाई गई है, लाजवाब, मतलब मन नहीं हटता है देखने भर से। और पूरा नज़ारा देखेंगे तो इस तरह का कुछ गार्डन बना है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है, ज़्यादातर बंद रहता है। ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं आते यहाँ पे, बहुत से लोगों को पता नहीं है एक्चुअल में इसके बारे में। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जगह पर ऐसी मूर्तियाँ होती है, स्टैचू होते हैं। ठीक है, तो ये उनमें से एक लाजवाब चीज़ है। ये क्या है यहाँ पे, थोड़ा बोर्ड पे पढ़ सकते हैं आप, नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने जो चीज़ें बताई है दुनिया में, उनकी चीज़ों के आगे कोई और चीज़ें ही नहीं है, मतलब उनके विचार इतने पवित्र और इतने महान है ना कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान सिद्धांत में जो है उन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई है। और उनके चेहरे पर जो तेज है, उनके जो विचार है, उनसे जो एनर्जी मिलती है ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, ठीक है, ध्यान करने से जो चीज़ें मिलती है, मतलब लोग कहते हैं ना मेहनत होनी चाहिए तभी जो है नसीब खुलता है। ठीक है, तो मेडिटेशन जब करते हैं ना, ध्यान करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मेहनत के साथ लक जो है वो हमारे पीछे चलता है। ठीक है, तो ये बहुत चीज़ें वो ज़रूरी होती है दोस्तों, छोटी छोटी जो समझने लायक होती है। ठीक है, तो मेरे इस जीवन में अगर सबसे ज़्यादा आधार स्तंभ कोई है मेरे जीवन में, तो वो सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध है। ठीक है, मतलब मेरे कुलदैवत जो है वो, मतलब मैं बंजारा समाज का हूँ, फिर भी जो है मैं इस
भगवान को मानता हूँ, क्योंकि मैं किसी जाति या धर्म को नहीं मानता दोस्तों। मुझे जिनके विचार पसंद आए, आज तक मैंने हर चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, भगवद गीता को भी अच्छी तरह से मानता हूँ, मतलब पूरा पढ़ा है मैंने, गौतम बुद्ध के भी जो सारे विचार पढ़े हैं, किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। तो विपश्यना मैंने 2 बार करी है, 10-10 दिन का कोर्स होता है, तो सारी डिटेल में एक बार चर्चा करेंगे। फिलहाल तो बस कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप मेरी फीलिंग समझ सकते हो, ठीक है। तो मतलब भगवान बुद्ध के प्रति जो मेरे मन में प्यार है, वो मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मेरे घर में, मेरे रिलेटिव्स में, हर वक्त हर जगह पर जो है मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है। 2016 में जो है इस मूर्ति की स्थापना की गई है, तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि एक बार यहाँ पर आके जो है सैर करूँ, तो आज वो मौका मिला है। ये छोटा सा गार्डन है, लेकिन बढ़िया बनाया है, मतलब सब कुछ सही है, एकदम मस्त। इनको देख के ना इतनी वाइब्रेशन मिलती है ना। तो मैं भगवान गौतम बुद्ध के विचार को ही लेके जो है चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, या फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, कहने के लिए, फ़िलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। और बाकी का नज़ारा देखिए, फिर से एक बार जो है व्यू दिखाता हूँ, मतलब चारों तरफ से घूम के, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे खूबसूरत व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मतलब मेरे अंदर है टैलेंट एक कन्वर्सेशन करने का, मतलब बोलने का। तो कैमरा में जो है ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है तो शुरुआती दौर में, ठीक है। तो अभी 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा व्लॉग बनाते हुए, तो मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है, कैमरा के सामने चीज़ों को रख पाना, और व्लॉग में जो है ना सही चीज़ें रखनी पड़ती है, कोई ऐसे दिखावा तो नहीं किया जा सकता ना, जैसे फिल्मों में किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे करते भी नहीं है और करना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्थान गौतम बुद्ध है, तो झूठ बोलने का तो कोई सवाल उठता नहीं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो उनका मेरा जो है दिल से नमन है उनके चरणों में। दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, मैंने आधा घंटा बिताया है। तो गाइस अभी जो है हमने कड़म में जो यहाँ पे गौतम बुद्ध का विपश्यना सेंटर है, मतलब अभी बड़ा नहीं है, बना नहीं है, अभी इमारत बनने वाली है बड़ी, तो यहाँ पे पूरा नज़ारा देखा, बहुत मज़ा आया। तो अभी यहाँ से हम चल रहे हैं यार, ये रास्ते की गाड़ियाँ भी ना इतना बोर करती हैं। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं सीधा घर शिराडोन, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को पता हमने अभी क्या खरीदा है, अभी गर्मी के दिन शुरू नहीं हुए हैं, फिर भी हमने स्लाइस और थम्सअप ये दोनों लिए हैं घर पर पीने के लिए। कुसुम जी नाराज़ हो जाएगी अगर कुछ नहीं ले गया तो, ठीक है। उनके लिए जलेबी भी ले ली है, और ये ठंडा सा, गर्मियाँ हो रही है, गर्मियों के दिन अभी शुरू हो ही चुके हैं, मतलब इस साल थोड़ा जल्दी गर्मियाँ शुरू हो चुकी है। अभी होली भी 15 दिन बाकी है, देखते हैं कितनी गर्मी होती है इस साल। गाइस अभी पहुँच चुका हूँ घर, ये देखते हो, देख सकते हो सबसे बड़ा सबूत। तो अभी जलेबी खा रहा हूँ, इसके बाद क्या है वो स्लाइस और थम्स अप। बचपन से आज तक की सबसे पसंदीदा 2 ही चीज़ें हैं ड्रिंक में। तो गाइस अभी हम क्या करने वाले पता है, इस नारियल का भरता बनाएंगे, इसको छीलेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ से मिला है, कहाँ से लाया है, वो
बाकी बातें बाद में। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर। तो गाइस अभी नारियल फोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया, मतलब बहुत ही कड़क है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, ठीक है। तो क्यों इसलिए हम व्लॉग इतनी जल्दी एंड कर रहे हैं, बिकॉज मैंने सिर्फ 4 घंटे नींद दी है। कल रात को 4 बजे सोया था और सुबह में 8 बजे उठा था, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ, सॉरी। ठीक है, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टाटा बाय बाय।